कोशिश करते हैं आज से जितने लोग आए उनसे बात करें नई मंडी में सब मौजूद है क्योंकि खाने का दौर है, सब बिजी हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक अगर ले लें उसके बाद फिर सबसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कैसा लगा। दिलों में दर्द की शिद्दत बहुत ज़रूरी है, हाँ ज़िंदगी में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, हे मेरी माँ मेरी खुशहाल ज़िंदगी के लिए तेरी दुआओं की दौलत बहुत खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है, और आदत पे अपनी है उसके पहले शौक जैसी ही कपड़े वो सिर्फ शरीफों के पहनाया है। वहाँ बारिशें सन ना हो जाए कहीं और आसमां तन ना हो जाए कहीं, अपने बल समझ में निकला करो शहर में जम ना हो जाए। का रंग सुरुख शफक भगत के भरी रखते हैं और कितने सुंदर कितने भोले कितने प्यारे रखते हैं, वही अदाएँ वही निगाहें वही वही श्रृंगार भूमि शादी जो जमाना गुजरा तुम्हें कमारे रखते हैं। बाबा के लिए कि वो जब समुद्र की दौलत के साथ रखते हैं ना मेरे बुजुर्ग को मेरे सर का हाथ रख देना, गले का दिल सुलगने लगेगा दिल मेरा इससे भी चराबों के साथ रख देना, और ये आने वाले कई को कब आएंगे कहीं जुबा के मेरे तजुर्बा से भाई के लिए सतह है कि मेरे शबाब को दुनिया को छोड़ दिया, शेख का दीन बहरमत का भरम तोड़ दिया, और जब कोई बद का सगर चांद सूरत का गवा उसको बना कर उसकी कपड़े का कलम तोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं सुनील के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने लाइव परफॉर्मेंस में अपनी आवाज़ों को लॉन्च में इस्तेमाल किया, तो जब इसको लॉन्च किया था उस वक्त आपसे मुलाकात करवाई थी अजय खान साहब से, जिन्होंने इसका रोल प्ले किया था, उसमें डब किया था अपनी आवाज़ को दिया था उस रोल के लिए, और आज हमारे साथ कुछ और भी हैं भाई लोग, कुछ और फैन भी हैं, तो आज उनसे भी बात करेंगे। तो पहले नईम भाई के पास चलते हैं। सबसे पहले नईम भाई, बहुत शुक्रिया आपका इतने ज़बरदस्त लंच के लिए, और लाल किला का खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो आज बहुत मज़ा आया सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करते हैं नईम भाई से सारी टीम के साथ उनको कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर अजय खान साहब और एक और भाई हमारे उनसे बात करेंगे, नईम भाई से बात करते हैं। जी नईम भाई, चूँकि आपको पता है कि ये लाल किला है और खाने का मौका है, और टीम जो है वो कुछ तो बिखरी हुई है, आपको पता है कि वो कुछ खाने पीने के सारे मैंने क्या हुआ है, सब अपना फ्री हैंड है, सारे तो नहीं यहाँ पे मौजूद है, जितने भी हमारे साथी हैं जो मेल करेक्टर हैं बाबा जी मिल हैं और ये बाकी सारे मौजूद हैं इस तरह, और कुछ आज आए नहीं हैं, तीन लोग हमारे आए नहीं हैं, चलो उनकी मसूफियात अपनी जगह बहुत शुक्रिया नहीं भाई। चलें अजय खान साहब से कुछ बात करके फिर हम आगे चलेंगे। अजय भाई कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसा लग रहा है? ठीक ठाक आपको? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारा इस तरह साथ बैठने के लिए। अच्छा, जो हमने लॉन्चिंग सेरेमनी अपलोड की थी उसमें बहुत सारे लोगों को बना दी, दुनिया को पता चला कि जो जीसस का करेक्टर है वो आपने प्ले किया उसमें, तो सब ने बहुत सराहा आपकी आवाज़ को, बेशक आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो खुदा का शुक्र है कि वो अपने लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपकी आवाज़ जब खुदा ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है तो आज आप उसको मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल किए, बेशक आप कलरिया बहुत है आपकी आवाज़, खुदाओं ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया, बट आज जो आपने काम किया उसके लिए आप मुबारकबाद के तो खुश रहेंगे, और हमारी बहुत सारी दुआएँ भी आपको इसके साथ आप देते हैं, और खुदाओं के गाँव से दुआ करते हैं कि आपको और अपनी तमाम प्रकार से माला माल करें, तो आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, खुदा इसी तरह उस आवाज़ को और खूबसूरत करता चला जाए। आज हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जिन्होंने इसमें सरदार का यूसुफ खान भाई हैं,
जी यूसुफ खान साहब, कैसे आप? अच्छा भाईजन, बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ होने के लिए और अपनी आवाज़ इस बड़े प्रोजेक्ट को देने के लिए, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा, आपने जो ये रोल किया? मेरे भाई, हम ये तो हमारा काम ही है, डबिंग वगैरह करते रहते हैं, इसके अलावा एक्टिंग भी जो भी है। लेकिन इस काम के लिए जब मुझे असगर भाई ने कहा और बॉस ने कहा, नहीं भाई ने, तो फिर जब हम गए देखा प्रोजेक्ट, तो आप यकीन करें, यानी कि इस फील्ड से हट के जितना भी हमने काम किया है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। क्या बात, क्या बात। और जिस तरीके से तबलीग का ये एक ज़रिया है ताकि लोगों को पता चल सके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी मुश्किलात आएँ और किस तरीके से उन्होंने दीन का प्रचार किया, अल्लाह के पैगाम को, गॉड के पैगाम को आगे पहुँचाया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं आपको यकीन करें, मैं बता नहीं सकता कि जब ये करेक्टर सरदार का मैंने किया, तो 7-8 दिन तो मैं उसके शहर में खोया ही रहा। क्या हुआ? तो मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आपने मुझे चूज़ किया और मैंने वो काम सर अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आपकी सारी मोहब्बत के लिए। बट मेरा ईमान ये है कि जब हम बड़े दिल के साथ, ईमान के साथ जब कोई भी काम करते हैं, तो फिर खुदा हमें खुद इस्तेमाल करते हैं। ये खुदा का इंतज़ाम था कि आज उम्र के इस हिस्सा में, इस मकाम पे आके, इस टाइम पे आके उसने अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल किया। अच्छा, तो इसी तरह एक बहुत प्यारे मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस मूवी में यूहन्ना का किरदार प्ले किया, यूहन्ना के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल किया। तो भाई का नाम सुलेमान भाई से बात करते हैं। सुलेमान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त। भाईजान, कैसा तजुर्बा रहा आपका? दैट वाज ऑसम, बहुत अच्छा लगा। जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि हमने काफ़ी काम किए हैं डब, ये हमारा काम है डब करना, हमने काफ़ी डब के काम किए, बट ये इट वॉज डिफरेंट, ये करने में हमें काफ़ी मज़ा आया और वी वॉज एक्साइटेड टू सी दैट, लाइक जो हम ये फिल्म ऑन एयर आएगी, हम उसके इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये ऑन एयर आए, हम इसे देखें, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नईम भाई, इस चीज़ को आगे फैला रहे हैं। आई विल जस्ट से बेस्ट ऑफ लक नईम भाई, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये कहूँगा कि सारा क्रेडिट जो है वो नईम भाई की तरफ जाता है, नईम भाई की जितनी भी एक्सपर्टीज है, क्योंकि कई जगह पर हम लोग पूछ गए थे, नईम भाई ने उसको यानी मुश्किल हमें बहुत आई बीच में, लेकिन बहुत आसानी से वो मामला जो हैं वो खुशनूबी से तय हुए और जितनी कॉन्सनट्रेशन से हम इस पर काम कर रहे थे, तो हमें उम्मीद थी यार 100% इंशाल्लाह जब लोग इसको लॉन्चिंग वाले दिन भी आपने देखा होगा, लोग देख रहे थे, बड़ा पसंद किया लोगों ने, तो हमें बस यही था, हमारा यही था कि हमने जो मेहनत की है वो हमें लोगों की तारीफ की शक्ल में हमें मिल जाए, बस एक बात ये था। ये काम असगर भाई ने जैसे कह रहे हैं कि ये काम ऐसा है कि ये आम जो रूटीन के जो ड्रामे होते हैं, जो फिल्में होती हैं, उनसे हटके है। आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता वो अपने दिल की जो बातें हैं, जो मेरे जहन में जो है, यानी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं तो आप नहीं पाए, फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि हमने इसके अंदर काम किया। बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। बस गई बात वही है जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सब खुदा का इंतजाम है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक टूल हैं, खुदा जब जहाँ इस्तेमाल करते हैं खुद इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हम जब अपनी दस्तयाबी को जाहिर करते हैं, हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहें, तो फिर खुदा खुद ऐसे मौके फराहम करता है। और मैं आप सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने मूवी देखी, मैंने पूरी मूवी देखी अच्छी स्क्रीन में, अच्छे साउंड के साथ, जब सुना तो सारा काम सामने आया। और यकीन करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मतलब इंग्लिश में देखी है और काफ़ी ज़ुबानों में अक्सर आती जाती है, मैं जब यूट्यूब पे जाए तो बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं, बट जितना नेचुरल मैंने पश्तो में उसको फील किया है, क्योंकि आवाज़ मतलब ज़ुबान तो नहीं समझ में आ रही थी, बट मैं भी पढ़ी हुई सारी चीज़ें, पता थी कि अभी ये करेक्टर ये बात कर रहा है, अब वो बात करेगा, तो वो सारी चीज़ें याद थी। बट जितना सूट आपकी आवाज़ों के साथ वो करेक्टर ने किया है, वो बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ थी। और ऐसा लग रहा था मतलब उसका रहना सहना और ड्रेसिंग उस तरह की, और फिर स्टाइल उस तरह का, जो हम आमतौर पर देखते हैं, पानी हो गए हमारे पप्पू भी हो गए, तो वो कल्चर साफ लग रहा था कि नहीं यार, ये लगता है कि शायद वो यही बात कर रहे हैं, तो वो अपने बहुत करीब पाया उसको। तो ये इस
बात के लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के वसीले हमने और उसको एक नया तजर्बे के साथ हमने देखा, तो इस बात के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वो जो जुबान है वो सूख कर गई है, असल में फीलिंग से किया है ना, नहीं भाई असगर भाई ने, और आपकी आपकी ये लैंग्वेज थी पश्तो, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको किया, मैं कहता हूँ कि आप भी यानी कि पश्तो के ऐसे लगा ना कि जैसे बाकी के हाथ में पठान ये इस बात के लिए तो नईम भाई को शाबाशी जाती है, क्योंकि एक हमें उर्दू का इंग्लिश का बेचारे पता है कि उसका उस लफ्ज़ का क्या वजन है, लेकिन एक बिल्कुल नई लैंग्वेज जिसके वजन का नहीं पता, अब एक करेक्टर अगर कोई बात करें तो उसको पता नहीं उसका कहाँ उतार है कहाँ चढ़ाव है, एक लाइन में समझ में आती है, बट एक एक लफ्ज़ का आउट करता है, तो किस लफ्ज़ को किस हिसाब से बोलना है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसका क्या वेट होना चाहिए, तो ये तो नईम भाई की समझ थी और ये खुदा ने उनको दिल बच्ची कि वो इतना बेहतरीन काम कर पाए। मैं एक बार फिर आपका तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कलाम की वसूत के लिए इतना बेहतरीन खूबसूरत तोहफा दिया, खुदा आप सबको बॉल कर देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका क्या करती है। जी तो व्यूवर्स, ये थे हमारे भाई जिन्होंने इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के लिए अपनी आवाज़ों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, तो एक नीचे कुछ लोग बैठे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे भी बात की जाए और आपको उनसे भी बात करवाएँ, तो उनसे मिलवा दें। कामयाब रही, बिल्कुल कामयाब रही, कामयाब थी, तो मुझे इसमें अपना हिस्सा डाल के बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म लोगों के काम आएगी और ख़ास तौर पे ना इस दुनिया में बल्कि उस दुनिया में भी काम आएगी, और इसका हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नईम साहब ने मौका दिया, मुझे अकबर भाई ने मौका दिया डबिंग के लिए, जिसके लिए मैं उनकी मशगूल हूँ, और मुझे इस टीम के साथ बहुत अच्छा लगा जिसमें मेरे साथ सीनियर्स भी थे और मेरे हम असर भी थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके। मैं चाहूँगी कि आइंदा भी मैं इस टीम का हिस्सा बनूं।
मैंने जी कम्युनिटी थी हमारी फैन गजल खान जिनकी खूबसूरत आवाज़ में इतने खूबसूरत करेक्टर को हमने देखा और मेरा दिल नहायत शादमान है खुशी से भरा हुआ है कि खुदा ने अपने जलाल के लिए खूबसूरत आवाज़ को इस्तेमाल किया और यकीनन उसके वजह से आपको बहुत देखा खुदा कि आपने जलाल की वजह से इतना काम किया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को जो पंजाबी नहीं समझते वो बस तो समझते हैं, जब उनसे के कलाम पहुँचेगा तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बदलेंगी उनकी ज़िंदगी में भी काम करेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और ज़बरदस्त बाबर जी से मुलाकात करवाता हूँ जिनका नाम है वहीद बाबर और उन्होंने इस पूरी फिल्म में नरेशन की है और बहुत खूबसूरत आवाज़ जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक आवाज़ मुसलसल गाए पे गाए बल्कि सुनने को मिलेगी जो बहुत पावरफुल बहुत खूबसूरत आवाज़ है वो है हमारे वहीद बाबर की। वहीद बाबा कैसा लगा आपको मेरे काम तो अच्छे ही होता है मेरे काम तो कौन मिला बेशक बेशक अब ये कि आपने अच्छा कदम उठाया लोगों को इस दुनिया की तो बहुत फिक्र है लेकिन उस दुनिया की भी फिक्र होनी चाहिए बेशक बेशक उसके लिए आपने कदम उठाया अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए समझे ना जो मुताशिद हैं इस दुनिया में भी काम है और इस दुनिया में आपने भी काम है हमें नरेशन का मुझे दिया आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आप लोग की है और देखने वाले और सुनने वाले की है ठीक है ना। बेशक हमें बहुत पसंद आया मैंने पूरी फिल्म देखी है मुझे मेरा करना था अल्लाह का करम है सब ने पूरी टीम ने बड़ा अच्छा साथ दिया और काफ़ी डेवलप किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के और सुन के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी तो विवेजिए थे हमारे खान और वहीद बाबा उनके साथ मिल के बात करके उनका काम सुन के उनकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा बहुत बरकत पाई और दिल बार बार के लिए दुआ करता है कि खुदा इन्हें और प्रकाश से माला मार करें। तो मिलेंगे फिर जब उनकी म्यूजिक के साथ फैन अपना बहुत ख्याल रखिए। जी तो फ्रेंड्स ये था आज का लंच और उन तमाम क्रिकेटर से मुलाकात मैंने भी की और मैंने आपसे भी मुलाकात करवाई और अभी इस फिल्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप अगर आपने फिल्म देखनी है तो आप ज़रूर उसको क्लिक कीजिए और पूरी फिल्म देखिए और अपनी बर्तन को रिसीव कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।